बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट वन के स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारी दी जा रही है, परीक्षा फॉर्म कब से भरी जाएगी। आज से लगभग एक सप्ताह पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें था कि 23 तारीख के बाद परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, ऑनलाइन ही भरी जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कलेक्ट करने आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, लेकिन छुट्टी है इसलिए कॉलेज बंद है और यूनिवर्सिटी के भी जो कामकाज है परीक्षा विभाग के अलावा सभी ठप है। शायद इसलिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख अब तक के नहीं निकाली गई है, क्योंकि तारीख निकाल भी दी जाती है तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और कॉलेज को भी अब तक के ऑर्डर नहीं दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो तमाम छात्रों को दे। बिना ऑर्डर के कॉलेज आप तक के या आपको नहीं दे सकती है, तो इंतज़ार करें। 3 तारीख तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद है, उसके बाद से कॉलेज खुलेंगी तो शायद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए। 30 तारीख से पार्ट वन की परीक्षा होगी, इस पर कई बार चर्चाएं हुई है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कई बार इस रिपोर्ट को छापी है। और यूनिवर्सिटी के जो माननीय मनोज कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, उन्होंने भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मैसेज दी है कि 30 जनवरी से पार्ट वन की परीक्षा शुरुआत हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि 1 फरवरी से 13 फरवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने वाली है। जो अब तक के रिपोर्ट है, CBSE ने फरवरी में होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को स्थगित की है और मार्च में परीक्षा ली जाएगी, ऐसी रिपोर्ट दी है। लेकिन बिहार बोर्ड के तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें फरवरी के महीने में परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात कही गई हो। यदि 1 फरवरी से इंटर की परीक्षाएं शुरुआत होती है, जो पेपर्स हैं तमाम छात्राओं के, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये बाधा बन सकता है कि 30 जनवरी से परीक्षा शुरू हो भी तो शायद 1 से 2 पेपर ही हो पाए और बीच में इंटरमीडिएट की परीक्षा बाधा बन जाए। नहीं तो यदि 27 से 28 केंद्र बनाए जाते हैं और परीक्षा बिहार बोर्ड के अलावा भी जो इंटर की परीक्षा वो लेगी उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सेंटर्स यदि मिल पाते हैं यूनिवर्सिटी को, तो 30 तारीख से परीक्षाएं लगातार चलेंगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, सेंटर्स एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है यूनिवर्सिटी को, तो इंटर की परीक्षा बीच में बाधा आ सकती है। तो यही सभी चीज़ें हैं और आज के प्रभात खबर में जो रिपोर्ट छपी है आपके स्क्रीन के सामने है, जो हेडलाइन है कि 30 से होगी पार्ट वन की परीक्षा, और जो डिस्क्रिप्शन है कि बिहार विश्वविद्यालय में 30 जनवरी से पार्ट वन सत्र 19 से 22 की परीक्षा शुरू होगी। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार ने यह जानकारी राजभवन भेजी है। पार्ट वन का रिजल्ट 21 मार्च को आएगा। फरवरी में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होने के कारण रिजल्ट में देरी होगी। पार्ट वन की परीक्षा 21 से 22 दिन तक चलेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 21 से 22 दिन परीक्षा जब चलेगी और 30 जनवरी से परीक्षा शुरुआत होगी, 31 जनवरी के जस्ट बाद फरवरी आ जाएगा और बिहार बोर्ड ने शेड्यूल निकाली है 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा की। तो CBSE बोर्ड की तरह बिहार बोर्ड भी फरवरी में होने वाली परीक्षा को पोस्टपोन करती है और मार्च में लेती है, तो शायद संभव है, आप देख पा रहे हैं। बाकी आगे जो है ये पार्ट टू वालों के लिए, 18 से 21 वालों के लिए। तो सबसे पहले परीक्षा फॉर्म भरी जानी है, इस डेटा को आप जो 30 तारीख से है यहाँ पर दी गई है, इस 30 तारीख को आप कन्फर्म न माने। 30 तारीख की जो रिपोर्ट है कि 30 से परीक्षा होगी, ये राजभवन को भेजी गई है, क्योंकि राजभवन ने कहा है कि आप तमाम लंबित परीक्षाएं कब से लेंगे, हमें एक रिपोर्ट दे। तो ये रिपोर्ट राजभवन को भेजी गई है, आपके परीक्षा किस दिन से शुरुआत होंगे वो आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद और एडमिट कार्ड मिलने के बाद ये डिसाइड होगा। तो फिलहाल 30 जनवरी या फरवरी आप आसपास लेकर के चले और इस चैनल से जुड़े रहे, जो भी रिपोर्ट आएगी हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।